हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर एक्स्ट्रा हपैरिक बिलरिया पैराडिस हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 22 है ये बीडी डी चौरासिया का मैंने uh, इस चैप्टर से एक वीडियो ऑलरेडी करा दिया आपको बताया था कि तीन वीडियोज पर यह चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जिसमें जो पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन टू एक्स्ट्रा हेपैरिक बिलेरिया पैराडिस वो हम डिस्कस कर चुके हैं

so first of all let's start with what is the common hepatic duct it is formed by two primary ducts which are right and left hepatic ducts uh, common hepatic duct is formed by the union of the right and the left hepatic duct near the right end of the porta heparis now what is the porta heparis is the point where these structures are entering or exiting the liver

and is joined on its right side at an acute angle by the cystic duct from uh, to form the bile duct now what we are talking about here is that uh, common hepatic duct hai, this particular common hepatic duct ye niche ki of move It hai तकरीबन 3 cm and join at an acute angle par ye duct is cystic duct खुद कहां से आ रही है फ्रॉम द गोल ब्लैर और जैसे ही सिस्टिक डाक्ट इस कॉमनिक्वाइन करती है याद रखनी है कि सिस्टिक डाक्ट के ज्वाइन होने के बाद कॉमन हैपैटिक ड नाम दिया जाता है बाइल डॉक्ट नै अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेरी हैपेरिक

Quite big of a number. हर सौ में से पंद्रह लोगों में ये एडिशनल एसेसरीपैटिक मौजूद हो सकती है बिग नंबर विच आई वुड से डग की मौजूदगी काफी कॉमन है ठीक है राइट लोब ऑफ द लिवर इन टमिनेट आई दर इन दॉलब्लर और इन द कॉमन हेपेटिक डॉ और एनी वेयर इन इट कोर्स कॉमनिक्स के और इन द अपर पार्ट ऑफ दाइल्ड डाक अब एक डायग्राम आपको दिखाता हूं दिस पर्टिकुलर डायग्राम ओके लुकेट दिस डाय जो जितनी भी एडिशनल डे हैं दीज आर ऑल दीपेड

ओपन हो सकती है एंड दे आर यूजली कमिंग फ्रॉम द राइट लोब ऑफ द लिवर ओके क्यों इंपॉर्टेंट है यह देखिये इंपॉर्टेंट ये है जब कभी कोई सर्जरी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कॉलिसमी कर रहे हैं और अगर आपने एनएडमी में ये बात सही से याद नहीं की वॉट इज एसे वॉट विल हैपन कि आप ये स्ट्रक्चर्स सर्जिकली रिमूव करेंगे गोल ब्लाडर और यहाँ लाइगेचर्स वगैरह जो करने हैं वो करके एपडेम क्लोज कर देंगे बाहर आ जाएंगे और होता यह रहेगा राइट लोब ऑफ द लिवर से ये जो एसेसरी डक निकल रही थी इसमें से बाइल फ्लो होता रहेगा पेरिटोनियम में जमा हो सकता है पेरिटोनाइटिस हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है सो एसेसरी डक्ट्स आर इंपॉर्टेंट

हमने बात कर ली सारी सो कॉमन हेपेटिक डक्ट का काम क्या है

ये डक्ट हो गई जनाब राइट और लेफ्ट हिपैरिक डक की बात हमने कर ली कॉमन हिपैटिक डक की बात कर ली अब बात करते हैं सिस्टिक डक की ठीक है ये ब्लैडर ये अभी छोड़ रहा हूं मैंने आपसे कहा कि इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा लेट्स फाइंड आउट वेयर इज द सिस्टिक हेयर इज द सिस्टिक डक्ट अगेन ये जो डायग्राम बनाई है दिस इज द बिगर वर्जन ऑफ द सेम डायग्राम दैट वी एक्चुअली जस्ट सॉ दि इज अ कॉमन हेपेरिक डग इसको अगर और ऊपर ट्रेस करेंगे तो राइट और लेफ्ट हिपेरिक डग आ रही होंगी सो so, राइट और लेफ्ट हिपेरिक डग मिलकर क्या बना रहे कॉमन हिपेरिक डग कॉमन हेपेरिक ड में सिस्टिक डग ड्रेन कर रही है और अब ये कहलाती है bile duct okay so that is the uh, BD or sometimes you call it common bile duct so also called the CBD okay now look at the cystic duct cystic duct you should know which organ it connects gallbladder connects common hepatic duct okay so it's a duct cystic duct is a duct connecting gallbladder with the rest of the biliary tree now cystic duct is about three to four centimeters long it begins at the neck of the gallbladder and it runs downward. So, this is the neck area of the gallbladder. This goes downward and it joins the common hepatic duct to form the bile duct. Now, th this is an important point the mucous membrane of the cystic duct forms series of 5 to 12 crescentic folds arranged spirally to form the so-called spiral valve of hyster this is not a true valve but it is just because of the mucus folding is diagramming at the kaya that this is the internal mucus fold or skiva some valvular structure banjata okay इट्स नॉट अ ट्रू फिजिकल वेल्व जो शट डाउन या शट ओपन होता रहे बट एनी वेज ये अंदर से इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है ओके सो सिस्टिक डक सिंपल स्ट्रक्चर थ्री टू फोर सेंटीमीटर स्टार्ट फ्रॉम गोल ब्लैडर एंड इन टू द कॉमन हिपैरिक डक टू मेक द बाइल डक ओके अब बात करते हैं बाइल डक की अगली डक्ट देखो ये वाली डायग्राम हर वक्त दिमाग में रखनी है इस डायग्राम को भूलना नहीं है इस डायग्राम में वी बिगिन विद द द राइट एंड लेफ्ट देन कॉमन हेपैरिक की बात कर ली अब रह गई आखिरी डक्ट हमारी जो आज डिस्कस करनी है वो है बाइल डक्ट। ओके? इट्स अ लॉन्ग डक्ट एक्चुअली और ये कई स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करती है इसलिए इस बाइल डक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स uh, हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शन हैं जो आपको याद रखने हैं एंटीरियर रिलेशन पोस्टीरियर रिलेशन सो लेट्स स्टार्ट बाइल डक्ट बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाई द यूनियन ऑफ सिस्टिक And common hepatic duct. Know many times, cystic duct and common hepatic duct makes the bile duct. Okay. Now it is about 8 centimeter long, so it's a long tube and has a diameter of about 6 mm. Okay. Now the bile duct course around. The bile duct runs downwards and backwards first in the free margin of the lesser omentum. And this is what we call the supra -diordinal

ये ये नीचे नीचे यानी ये 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 वाला जो जो पार्ट पार्ट है, है है, है है फिर फिर जनाब के के और तो ख़ैर इसको अगर मैं हटा दूं तो ये सेकंड पार्ट ऑफ डिओडनम के अंदर पेयर्स कर जाएगा तो फिर यहाँ जो पार्ट डिओडनम के अंदर चला गया दैट विल बी इज कॉल्ड एक्चुअली इंट्रा Not infra, intra -diordinal. तो ये चार डॉर्डनम के और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां आपको कुछ रिलेशन याद रखने हैं कि जो सुप्रा सुप्राडियडनल पार्ट है उसके एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशनशिप क्या है जो रिट्रोडियडनल पार्ट है फिर जो इंफ्राडियनल पार्ट है और जो इंट

and to the left of the hepatic, hepatic artery so if you keep looking at diagram number 22.2 .2, uh, is what you need to look at again and again to remember the bile duct is the right side pay there is an artery uh, front pay there is uh, uh, liver obviously and back side pay there is a portal vein okay सेकेंड पार्ट चूंकि ये रिट्रोडियनल है तो डिओनम के पीछे होगा या दूसरे लफाज में आप कहूं इसके आगे क्या होगा इसके एंटीरियर साइड पे क्या होगा एंटीरियर साइड पर दिस इज रिट्रोडियडन तो कॉमन सेंस की बात होगी नहीं तो याद रखने वाली चीज भी नहीं है इजिली आपको याद होनी चाहिए कि रिट्रोडियडनल मतलब डिओनम के पीछे दूसरे अल्फाज में कहूँ कि इसके आगे कौन है डक्ट के एंटीरियरली कौन है तो डिओनम हैल आर्ट्री सो रिमेंबर दीस थिंग्स गैस्ट्रो डिजिनल आर्ट्री इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कॉमन हिपेरिक दिस इज सिस्टिक एंड दिस इज दैन

मा ऑफ देड ऑफ पैंक्रियस तो उस कार्सिनोमा की वजह से ये जो हैड ऑफ पैंक्रियास के अराउंड कॉमन बाइडक्ट का इंफ्राडिडनल uh, पार्ट है ये ब्लॉक हो सकता है और उसके ब्लॉकेज से फिर ज्वाइंडेस और सारे प्रॉब्लम एसोसिएट हो सकते हैं सो रिमेंबर दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन इंफ्राडियोडनल पार्ट की एंटीरियरली

थ्रू दट ओरिजिनल वॉल इज वेरी ओब्लीक यानी कि ऐसे टेढ़ ही आती है बिल्कुल स्ट्रेट नाइनटी डिग्री पे नहीं एंटर होती विद इन द वॉल टू डूजली यूनाइट टू डॉन कौन सी

the uh, diagonal uh, uh, opening is present to uh, you know entertain the bile duct and the pancreatic duct okay so that is the distance right so basically if i summarize again तो ये जो बाइल्ड डक्ट की पूरी स्टोरी है उसमें आपको मैंने बताया कि देर आर फोर डिफरेंट पार्ट्स एक वो पार्ट है जो डिओर्डनम के ऊपर है दैट इज सुपरा डिओडिनल उसके एंट्री पोस्टिव रिलेशन याद रखने हैं आपको एक वो पार्ट है जो रिट्रो डिओर्डिनल है यानी डिओडनम के पीछे फिर एक वो पार्ट है जो इंफ्रा डिओर्डिनल है और फिर वो पार्ट होगा जो डिओर्डनम में एंटर हो जाएगा इंट्रा डिओर्डिनल पार्ट ओके सो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंट पार्ट एंड रिलेशनशिप्स ऑफ बाइल डक्ट अब कुछ स्फिंक्टर्स आपको पता होने चाहिए जो कि बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ एसोसिएटेड है द टर्मिनल पार्ट ऑफ द बाइल यानी बाइल जहां पे खत्म हो रही है इज सराउंडेड जस्ट अब इट्स जंक्शन विद्रियाटिक बाय रिंग ऑफ स्मूथ मसल दॉर्म्स इस फिंक्टर कॉलिडोकस ओकेडोकस इज द वर्ड यूज फॉर बाइल डक्ट बेसिकली जहां पर पेंक्रियाटिक आकर बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन होती है यानी ये वाली जगह दिस इज द पॉइंट